दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आपके इस यूट्यूब चैनल में और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जेके एस एस बी क्लास फोर्थ के रिजल्ट को लेके फाइनल सिलेक्शन लिस्ट को लेके देखिए मैंने आपसे कहा था कि आ, जब हमें बहुत सारी क्वेरीज़ जो है वो लगातार आती हैं तो उस टाइम पे हमें जो है वो आपको वीडियो के माध्यम से आ, बताना और आपको अपडेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ठीक है तो आ, इसलिए क्योंकि लगातार क्वेरीज आ रही हैं पूछा जा रहा है और कैंडिडेट्स ये बता रहे हैं कि सर अपडेट क्या है क्लास फोर्थ को लेके ठीक है तो क्लास फोर्थ को लेके आज हम डिस्कशंस करने वाले हैं ठीक है तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ठीक है वीडियो को लाइक करें और साथ में ही शेयर भी करें इसी के साथ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे इन सभी सोशल मीडियाज़ के लिंक्स मिल जाएंगे आप हमारे इन सोशल मीडियाज़ पर जाकर हमें फॉलो करें और इसी के साथ में हमारे इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें दोस्तों टेलीग्राम चैनल का ये है कि टेलीग्राम पे आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा नई जॉब अपडेट्स मिलेंगी अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए पढ़ रहे हैं चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं देखिए दोस्तों क्लास फोर्थ के फाइनल सिलेक्शन लिस्ट को लेके जो है वो कैंडिडेट्स के मन में कहीं ना कहीं सवाल है और ज़रूर ये डाउट्स हैं कि सर क्योंकि आप जानते हैं कि तेरह अगस्त जो है वो जेके एस एस बी ने लास्ट डेट रखी है प्रेफरेंसेस की प्रेफरेंस फिल करने की तो कहीं ना कहीं कैंडिडेट्स के मन में यही है कि भाई तेरह अगस्त के बाद तेरह सितंबर या तेरह अक्टूबर ना हो जाए दो महीने और ना लगाए जेके एस एस बी और हमारी सेलेक्शन लिस्ट और डिले ना हो जाए ठीक है अब दोस्तों मैंने अब क्योंकि देखा कि ऑफकोर्स जो लास्ट टाइम पहली लिस्ट हुई थी पहली लिस्ट में प्रेफरेंस सिलेक्शन के बाद फ़ौर बाद मुझे लगता है कि एक या दो दिन के बाद जो है वो तीन दिन का हार्डली गैप था और तीन दिन के गैप के बाद जो है वो सिलेक्शन लिस्ट आ गई थी ठीक है तो तीन दिन के बाद सिलेक्शन लिस्ट आ गई थी अब जहाँ तक बात है हमारी जो सेकंड लिस्ट है भाई सेकंड फेज को मैं समझा समझा के आपको थक गया कि भाई इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अब जेके को कुछ इश्यूज थे सिलेक्शन लिस्ट को लेके कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसके बेसिस पे जो है वो सिलेक्शन लिस्ट हमें बाहर निकल के नहीं आ रही थी जो आ, सेकंड फ़ेज़ का प्रेफरेंस लिंक भी नहीं आ रहा था सेकेंड फेज़ का प्रेफरेंस लिंक डिले हो गया और अब चूंकि टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है डेढ़ दो साल से ज़्यादा का समय हो चुका है और अभी भी ये रिक्रूटमेंट कंप्लीट नहीं हुई है तो कहीं ना कहीं दोस्तों मेरे हिसाब से अभी तेरह अगस्त तो देखिए लास्ट डेट है प्रेफरेंसेस की और मैक्सिमम मुझे चांसेस लगते हैं कि बीस अगस्त से पहले पहले ही आपकी डिपार्टमेंटल लिस्ट आ जाएगी ठीक है अब बीस अगस्त जो है वो मान लीजिए अगर बीस अगस्त भी नहीं तो पच्चीस अगस्त तक तो भाई आपकी ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ अगस्त तक तो आपका डिपार्टमेंटल लिस्ट आ जाएगी उसके बाद जो आपकी ज्वाइनिंग है देखिए जहाँ तक आपकी जॉइनिंग की बात है तो ज्वाइनिंग के बाद मैं जो है वो फ़र्स्ट वीक ऑफ सेप्टेम्बर ठीक है फर्स्ट वीक ऑफ़ सेप्टेम्बर तक जो है वो आपका जो है वो सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगी आई एम पेटी श्योर एंड आई एम वेरी श्योर इस चीज़ की मैं जो है वो काफ़ी श्योर हूँ और मुझे लिटरली नहीं लगता कि भाई आप कोई टेक्निकल ग्लिच होगा टेक्निकल एरर होगा या कुछ और प्रॉब्लम होगी अब मुझे नहीं लगता किसी भी एंगल से कि कोई प्रॉब्लम हो सकती है ठीक है इसलिए आप निश्चिंत रहें आप वेट कीजिए देखिए दोस्तों ये भी चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि भाई आई एम हेयर टू मोटिवेट यू गाइज़ आई एम हेयर टू मोटिवेट यू पीपल तो मेरा मकसद ही है कि मैं आप लोगों को मोटिवेट करूँ मैं तैयार करूँ और अच्छी चीज़ें बताऊँ और आपको मोटिवेट करूँ तो भाई आप वेट करें जहाँ आपने एक या डेढ़ साल वेट किया तो वहाँ आप एक महीना भी अगर वेट करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई फिर अब ओबियसली जॉब तो मिलनी ही है आपको जॉब तो मिलेगी ही आपको ठीक है और वो जॉब आपकी आ है तो आपको ही मिलेगी यार किसी और को नहीं मिलेगा कोई और नहीं ले सकता है छीन के आपसे ठीक है तो सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगी अब वेट कीजिए आई एम प्रिटी श्योर एंड आई एम डैम श्योर कि जो फाइनल लिस्ट है दैट इज़ कम कमिंग सोन विद डिपार्टमेंट्स एंड आई एम डैम श्योर कि ये चीज़ें जो है वो होने वाली हैं बहुत जल्द और जेके भी बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो चुका है अब इन मामलों में तो uh, मैं भी जे के से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ये लिस्ट जो है वो जल्दी निकाल दी जाए डिपार्टमेंट जो है वो कैंडिडेट्स को अलॉट किए जाएं सो दैट कैंडिडेट ज्वाइन करें और उनकी जो है वो नई लाइफ स्टार्ट हो जाएगी उनकी प्रोफेशनल लाइफ जो है वो स्टार्ट हो जाएगी ठीक है तो बस आप यही रख लें कि एक्सपेक्टेड आप रखें फर्स्ट वीक ऑफ सेप्टेम्बर तक आप मान के चलें कि आपकी ज्वाइनिंग का सीन जो है वो हो जाएगा ठीक है तो मजीद अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है कोई क्वेरी या मुझसे आप बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मुझे हिट करें आ, तो बहुत जल्द मिलता हूँ नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा खुदा हाफिज़